कजरिया लागे। क्या हो गया बताइए। वो आप देखो मेरे पिक्चर में बताया था ना आपको, मेरी काफी प्रॉब्लम थी, तो अभी देखिए आप मेरा पहले का और अभी का देखिए। मैं आपसे ये आपका धन्यवाद करना चाह रही हूँ कि आपने मेरे को दिया और मेरा फेस सही हुआ। बहुत अच्छा। नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था। आप ही तो है, मेरे तो आपको खुदा बन के मेरे साथ आए हो। ये एक ऐसा आप लोग मुझे बोलोगे ना तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगी, और है ना मैं आप लोगों की दोस्त हूँ बस, ठीक है, और मैं कुछ नहीं करती, ये सब आप लोगों के नसीब में था, सो आप लोगों को मिला, अल्लाह की तरफ से आपके नसीब में ये था इसलिए आपको मिल गया, ठीक है ना। और मैं कोई खुदा उदा नहीं, मैं खुदा नौज़ बिल्ला, अगर आप मुझे ऐसे कहोगे तो मैं गुनाहगार बन जाऊंगी ना, तो ऐसे मत कहो ना। मैं फरिश्ता हूँ ना मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब आप लोगों का प्यार है, लेकिन आप इस तरह से अपना प्यार मत दर्शाइए कि मैं गुनाहगार बन जाऊं, ठीक है ना। गुनाहगार तो नहीं है, इसके लिए गुनाहगार नहीं, ये तो स्वभाव का काम है, ये तो स्वभाव है। आप आपकी दोस्त हूँ मैं भी, इस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, इसकी तकलीफ मैं जानती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा किसी को फेस नहीं कर सकते थे, इतनी हालत खराब थी। अब जाती हूँ पीटीएम, जाती हूँ कितना अच्छा लगता है बात करते हो। मैं पीटीएम नहीं जाती थी, मैं भी करती था, कितनी तकलीफ था। कितने साल से था आपको ये? ये मेरे को 6-7-8 साल से था। तो क्या आपने उतने साल में कुछ किया नहीं? किया बहुत, डॉक्टर को दिखाया, फालतू फालतू था तो उसी में इंफेक्शन होता था, जान आ जाता था, कुछ हो जाता था। आपका जो फेस का हालत था पहले, तो जो लोग, कुछ लोग मुझे कमेंट में ऐसा लिखते हैं कि मैंने सबका फेस खराब कर रही हूँ, तो क्या पहले जो आपका फेस था वो मैंने ही खराब किया था आपका? नहीं मैम, ये गलत बात है, ये गलत है। वो लोगों का मतलब पता नहीं उसका क्या है, हमारा वो उसका नजर है, उसका प्रॉब्लम है। तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा खत्म हो गया था आपका फेस। अब तो प्यारी बहुत प्यारी हो गई माशाल्लाह, ये सब भी भर गया। रोजा रख रही हूँ, पूरा रोजा रखती हूँ। सदका किया कि? अच्छा, अभी बड़ी बड़ी रातें आएगी ना, ताक रातें आएगी ना, जो सबे कदर की रातें आएगी, उसमें सदका कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, करती मैम। मैंने अपने मदर नहीं रही तो मैं उनके नाम से कुरान खानी करा रही हूँ, मैं सब कुछ करा रही हूँ मैम। मेरे हस्बैंड हज के लिए गए। कहाँ गए हैं? मक्का मदीना उमरा हज के लिए गए हैं। हाँ अच्छा, मेरे लिए भी बोलिए उनको, दुआ करें, मेरा सलाम पेश कर दे, मेरा नाम लेके बोला उन्होंने कि मैम है तो कहते हाँ सबके लिए दुआएं कर सकते हैं, दुआ करेंगे सबके लिए। मेरा नाम लेके मेरा सलाम पहुँचा दीजिए। आपसे जरूर बात कराऊंगी इंशाल्लाह, जरूर से बात करूँ। और वो भी 3 महीने में आपको जो रिजल्ट मिला है ना, वो काबिले तारीफ है कि आपने उसको बहुत अच्छे से यूज किया है। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छे से यूज किया। इतना मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए और बैठी रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तीफा दे, आप मेहनत करो, मेहनत करो मैम, आपको अल्लाह ताला देगा उधर जाके। तो 2 दिन की जिंदगी है मैम, पूरी पड़ी हुई है। सही है, आप है ना इसी तरह से चलते रहिए, जैसे आप चल रहे, आपने मेहनत किया उसी का आपको फल मिला है, ठीक है। और आपका जो पिगमेंटेशन का जर्नी है वो यूट्यूब फैमिली के साथ आप शेयर करना चाहोगे, जो एक्सपीरियंस है, कुछ पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? वही मैं कहना चाह रही हूँ सबको, भाई बहन सभी है हमारे, यूज कीजिए और करते रहिए, ये बहुत अच्छा रेसिपी है, आपका लाइफ भी बदल जाएगा।
लाइफ बदल जाएगा लोगों का, जो था एडमिनिस्ट्रेशन उसको लेके इंसान जी नहीं सकता, इतना खराब हो जाता है इंसान का। तो अभी जो भी यूज करे अच्छा है, अच्छा रेमेडी है, आप लोग यूज कीजिए सब लोग। कहाँ से मैं? अब एक मैं ये नोएडा हूँ, नोएडा दिल्ली से, दिल्ली वाली हूँ। हाँ दिल्ली, बहुत गर्मी है मैम, बहुत गर्मी है। हाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ, सर्दी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है, सर्दी भी बहुत बहुत ज्यादा। बीट रूट का जूस जब पियेंगे ना तो गर्मी से बचेंगे आप लोग, जो गर्मी से नुकसान होती है चमड़ी को, स्किन को, वो प्रोटेक्शन देगा आपको अंदर से, ऊपर से सनस्क्रीन और अंदर से बीट रूट और आंवला, समझे आप? तो सोचिए कितना हेल्दी हुआ, एकदम नेचुरल से, जो सूरज की किरणें, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली किरणें होती है, जो गर्म हीट जिसको हमारे चमड़े जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उससे हमको कौन प्रोटेक्शन देगा? हमें देगा, हम ऊपर से लगाएंगे अपना सनस्क्रीन, खूब घर में रहेंगे तो भी लगाएंगे, बाहर जाएंगे तो भी लगाएंगे, बाहर भी जाओ ऐसा नहीं कि दिस इज गुड बैड। हां लगा रखा है। और देखिए जो बीट रूट है और आंवला है ना, वो अंदर से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगा और ये बाहर से प्रोटेक्शन देगा, है ना? मजे की बात, कितना हेल्दी है, बहुत अच्छा है। इसको कंटिन्यू नॉन स्टॉप आप लोग ड्रिंक कीजिए इसको, है ना? और बिल्कुल पानी का खास ख्याल रखिए, 7-8 लीटर पानी, अभी तो रोजा है, रोजा के बाद आप 1 घंटे में 1 लीटर पानी कोई नहीं पी सकोगे आप लोग, आप बताओ क्या मुश्किल है 1 लीटर पानी पीएंगे, पानी तो बहुत जरूरी है शरीर में। 1 घंटे में अगर 1 लीटर आप पानी पी लेते हो तो मतलब कि पूरा दिन में कितने लीटर पानी हो गया? काफी हो गया, वही 10-15 लीटर पानी हो गया। तो लोगों को 10-15 सुनने के बाद ना एकदम उलझन हो जाती है, कितना कैसे पियेंगे। एक बोतल बनाइए 1 लीटर का, पी लिया 1 घंटे में 1 बोतल पानी नहीं पी सकते, आराम से पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। 2 घंटे में पी लेना, 2 घंटे में तो पी सकते हो 1 लीटर पानी सकते, बिल्कुल। फिर भी 2-2 घंटे की लीटर के हिसाब से भी आप रखोगे, फिर भी 6-7 लीटर पानी हम पी सकते हैं एकदम इजिली, आराम से पी सकते हैं ना? आराम से फिर पानी पीजिए ताकि गर्मी से आपकी चमड़ी सूखे ना, डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है? आंवला बीटरूट का जूस पीजिए और सुकून से अच्छे से जैसे जैसे सबको बताया है उस तरह से चलते रहिए, हबर दबर मत कीजिए, शांति संयम के साथ, सबर के साथ चलते रहिए, ठीक है? नहीं होता है, और अगर किसी को लगता है ऐसा कि कहीं जादू होता है तो भाई आप वहां जाके अपना जादू करा लो, अपना पिगमेंटेशन, कोई जादू नहीं होता जिसके आप इलाज, हमें पता है डॉक्टर ये वो दवाई लिख देता है, कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर किसी को अच्छा ना लगे तो जहाँ से अच्छा लगता आप वहां से कर सकते हो, ऐसा कोई वो तो है नहीं कि नहीं जी यहीं पे आपको करना है, या लोगों को डॉक्टर भी आजकल ये दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अब ये दवाई लिख रहे हैं। जो हमारी YouTube फैमिली आपको देखती है सुनती है, मैं चाहती हूँ कि आपकी जो 6 साल की जर्नी है ना, कि आपने क्या क्या किया था 6 साल में अपना पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए? 8-10 साल अगर सांवला है तो सामने पे और इंसान अच्छा दिखता है, क्यों? क्योंकि उनका रियल स्किन होती है, लेकिन गोरा होने के लिए लोग लगाते हैं आलतू फालतू चीजें, बेवकूफी है लोगों का, बेवकूफी है, बेवकूफी है। क्योंकि देखिए अब आपका कलर जैसे है, अल्लाह ने आपको, आप उसी में अच्छे लगते हो ना, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको दिया है, है ना? अगर मैं आपकी जगह आ जाऊं और आप मेरी जगह, तो ना आप अच्छे लगोगे ना मैं अच्छी लगूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे अल्लाह ने बनाया, मेरे हिसाब से नाक कान सब बनाया, आपका आपके हिसाब से बनाया, तो जो अल्लाह ताला ने बना दिया है ना उसी को इनहेंस करो, खूबसूरत बनाओ उसी चीज को, ये नहीं है सामली हो तो एकदम पेट गोरी हो जाऊं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला दो ही कलर अल्लाह ताला ने बनाया है, एक सांवला काला और एक गोरा, ठीक है? अब आप सोचो कि गोरा और काला दोनों कलर मिक्स हो जाता है, जिसको जिसको हम लोग वो दाग बोलते हैं, दोनों कलर
मिक्स हो जाता है ना, सफेद और काला मिक्स होने के बाद एक बीमारी बन जाती है वो, सही है ना। अगर शुक्र अदा करो जिसको जो दिया है अल्लाह, आप उसमें खूबसूरत लगते हो। क्या अभी आप सामने बैठे हो क्या आप कम लग रहे हो, कितनी खूबसूरत हो, नाक नक्शा खड़ा है, अच्छा है, उसी में अपने अपने उसमें पॉलिश करो जो आपको अल्लाह ने अता किया है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसी को पॉलिश करो। और बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो ये नहीं हासत करो कि किसी के वो है तो हम क्या करें, कोई घोड़ा बनाने का कुछ नहीं है। जब अल्लाह की जात देखे, जब दुनिया में आके आपका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो उसको आप ठीक कर सकते हो, कर सकते हो ना, हो जाता है ना, हाथ टूट गया तो जुड़ जाता है, पैर टूट गया जुड़ जाता है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है हो गया तो उसका ऑपरेशन होके ठीक हो जाता है, हो जाता है। लेकिन जब माँ के पेट से कोई खराबी लेके अगर आप पैदा होते हो तो उसका इलाज कहीं होता है क्या? नहीं होता है, नहीं। है ना, उसका इलाज कहीं भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नहीं हो, कभी नहीं होगा और वो कभी भी नहीं होगा। पता तो हमें बोल दिया है कि हाँ, क्योंकि अल्लाह की जात ने आपको कुदरती, कुदरती मतलब की पैदाइशी आपको वैसा बना के ही दुनिया में भेजा है, तो दुनिया आपको नहीं कर सकती, ये समझना आपको जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से कलर भी होता है कि कलर जो भी अल्लाह ताला ने आपको दे के दुनिया में भेजा है उसी को खूबसूरत बनाइए, उसी को चमकाइए, उसी में आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, इसीलिए आप अल्लाह ने दिया है वो कलर करना चाहिए जो हमें देखती है सुनती है, है ना। और जो फालतू की कमेंट करती है उसको क्या कहेंगी आप? नहीं, ये बंपर रेमेडी करना चाहिए, इसको भरोसा करिए, टाइम लगेगा लेकिन पूरा निकल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और मैम से जुड़े रहिए, मैम के साथ जुड़े रहिए तो सब सही होगा इंशाल्लाह। देखिए मेरे मेरे बस में जितना है ना, एक इंसान के बस में जितना होता है ना, मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ। मेरी घर करते मैंने देखा लोग रोजा रखती, रोजा है मेरा। मैं आपको बताऊं कि मैं कल सुबह से लेके अभी कितने बज गए हैं, 11, अभी 11 बजे अभी तक सोई नहीं हूँ मैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको इस्तीफा दे, नमाज पढ़ के कि आप जिए और करे लोगों के लिए। मैं कभी भी नहीं करती, मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरा लोग वेट कर रहे होते हैं, लोग कितने लोग तो कमेंट में क्या क्या अनाप शनाप भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ जाने दो, उनको लेट हो गया इसलिए गुस्से में बोल दिया होगा, है ना, बेवकूफी, उनकी बेवकूफी है। तो मेरे बस में जितना है, एक मैं भी तो इंसान हूँ ना, इंसान का जितना बस होता है उतना ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं काम करूंगी ना, जल्दी मर जाऊंगी, फिर क्या होगा, फिर कुछ भी हो जाएगा, मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसलिए 2-3 घंटा रेस्ट करना भी जरूरी होता है ना। मैम कोई जरूरी जल्दी नहीं है, कुछ आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, लेकिन बेस्ट करके फिर आप अपना सेहत देख के देखिए कितना आप लोगों को कुछ भी नहीं तो देखिए रिजल्ट आपको कितना अच्छा देखने, थोड़ा वेट करना पड़ा, लेट हो गया, लेकिन रिजल्ट देखिए कितना अच्छा बेहतरीन मिला आपको, देखो कि नहीं, वेट करना पड़ता है मैम, इसके लिए संयम रखना पड़ता है, हाँ संयम के साथ करना है। अपने रिजल्ट से खुश हो कि नहीं हो गए ना? बहुत मैम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ, मैं तो यही अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मिल गए, मैं खुश हूँ, मैं हस्बैंड से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, पहले मेरा ऐसा होता था नजरें नहीं मिल पाती। अच्छा, हस्बैंड से? हाँ, बहुत ज्यादा अजीब लगता था मैम, मैं वो बाहर जाते काम के लिए तो मैं होटल में नहीं आती, ऐसे ऐसे हालत था मैम मेरा, मैं अल्लाह ताला से रोती हूँ कभी कभी, क्या हालत था और मैं अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो किसी के साथ दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए, इतना चीजों से हमें फेस करना पड़ता है मैम, बच्चों को स्कूल नहीं जा पाते थे, लोग बन ढल के आते हैं और मुझे अपने आप को देख के कितना शर्म आता था, सब चीजें फेस करना पड़ता है। मैं बस स्टॉप जाती हूँ,
बच्चे को सोने के लिए, इतना तो ड्राइवर से जो बात करना होता तब भी कितना होता था कि मैं क्या बोलूं, ऐसा ऐसा हालत था मेरा। जाने दीजिए। और अब वो लोग अच्छा है ना, अब वो लोग देखते हैं, मैं पूरा अच्छा से जाती हूँ, देखते ही देखा अब मैम कैसे है, मतलब अंदर से तो बोलता होगा। जाने दीजिए, पिछली बातों को भूल जाइए और नई जिंदगी का इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए, है ना। मिलेगा कुछ नहीं, तकलीफ ही मिलेगी, बस अल्लाह से दुआ कीजिए, सदका कीजिए। देखिए रमजान में सदका कर दीजिए, सदका रमजान के दिनों में सदका किया गया ज्यादा सवाब होता है गरीबों के लिए, सबके लिए। मैं बहुत करती हूँ जी। जी बहुत अच्छा है जो करता है, वो बहुत अच्छा है, जो नहीं करता है उसको करना चाहिए। सबे कदर की जब रात आएगी आपकी, दो आए उसको खाली हाथ मत बताओ। हाँ अभी आप है ना, देखिए अफतारी दे दीजिए, गरीबों को खिला दीजिए, ईद आया तो थोड़ा दूध एक पैकेट, एक सेवियां का एक पैकेट पकड़ा दीजिए, थोड़ा सा है ना, कोई भी गरीब खा लेगा, ठीक है ना। इस तरह यतीमों को पीले करती थी मेरी माँ, यतीमों के लिए करती थी। हम यतीमों को मदरसा में जाए मदरसा में देते हैं, क्योंकि यतीम बहुत होता है मदरसा में ना मैम, उधर हम जो हम लोग नेकी करते हैं ना, नेकी तो हम बोलते हैं ना कि अरे हमने तो इतना किया हमें मिला नहीं कुछ, तो ऐसे देखिए तुरंत इकट्ठा हो गया आपकी नेकी मिला, फिर मुझे मेरा भी इकट्ठा हो गया होगा, तो मैं भी अल्लाह से शिकायत करती थी ना, जब मेरा पिगमेंट मेरा ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब मैंने अल्लाह से तौबा किया, अल्लाह से माफी तलब की, अल्लाह से दुआ किया, दिल से दुआ किया, अल्लाह के सामने सरखम हो गई बिल्कुल, है ना, तो अल्लाह ताला ने दे दिया कि ले अब इसको, पता चल गया कि इसको कौन देगा, सही है ना, अल्लाह ने दे दिया। तो उसी तरह से नेकी जो होती है वो आपकी इकट्ठा होती रहती है, और आपकी नेकी जो है वो उसका सिला अल्लाह ने आपको दे दिया, एक बार दे दिया ना, तो ये होता है अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह से काम लेना है। अल्लाह ताला ऐसे नहीं कि अरे तुमने अभी मांग लिया दे दिया, धीरे धीरे करता, जब आप जिस लायक होंगे ना वो चीज वो आपको अता कर देगा अल्लाह ताला, है ना। अब कहीं पे देखिए, मैं 100 की सीधी एक ही बात बोलती हूँ, जब आप हार जाओ, जब आपको ऐसा लगे कि बस हो गया अब कुछ नहीं है, जब ऐसे ख्यालात आपके पास आने लग जाए या कुछ होने लग जाए, तो आपने क्या करना है, खामोशी के साथ सबर के साथ आपने रहना है और अपने सारे हालात को अल्लाह के सपूत कर देना कि रब तू ही है जो कुछ कर सकता है, अल्लाह ताला जो है वो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपका जगह है, अपने आप पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो अल्लाह के सपूत कर दो, क्योंकि उससे बेहतरीन फैसला करने वाला कोई भी नहीं है, अल्लाह बेहतरीन फैसला देता है, ठीक है। तो उसकी अदालत में अपना केस मुकदमा सब डाल दीजिए और छोड़ दीजिए कि अल्लाह, और अल्लाह के पास से जितना जल्दी जवाब आएगा ना उतना जल्दी जवाब आपके घर में, किसी को आप आवाज दोगे ना कि दूसरे कमरे से कोई आ जाए मेरी आवाज सुन के, उतने जल्दी नहीं होगा, उतना जल्दी अल्लाह की तरफ से फैसला आता है ना। और जब हम लोग हड़बड़ाते हैं ना कि नहीं हुआ नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो ये किया वो क्या नहीं हुआ, तो आप उस वक्त उस लायक नहीं हो, इसीलिए आपको वो चीज नहीं मिली, जब आप उस है ना उसको आप संभाल के रख दिया अल्लाह ताला ने, जब आप उस लायक हो गए तो आपकी जो चीज है वो आपको अल्लाह ताला अता कर देगा, क्योंकि अल्लाह ने जो लिख के भेज दिया है वो आपको अता करेगा ही करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला हर तरह से आजमाता है, दुख देके सुख देके, ठीक है, कुछ देके कुछ लेके, इस तरह से अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदों को, और जो बंदा उसकी आजमाइश पे खरा उतर जाता है अल्लाह ताला उसको अता कर देता। चलिए आप खुश हो ना आपके रिजल्ट से, बस हो गया। मैं बहुत खुश। अब पीटी वगैरह में जाने से, स्कूल जाने से, बच्चों के साथ कहीं जाने से शर्म तो नहीं आती ना बाबा, मिलके आई हूँ तो कहते हैं के टाइम पे नहीं आए, कॉलेज से लेके निकल के स्कूल से काफी जाते तो बेटे के टाइम पे आ गए हो, उसको क्या मालूम कि बेटी की क्या परेशानी होगा। अच्छा प्रिंसिपल कह रहे, टीचर बोलती है जब बेटी के टाइम पे नहीं आते थे स्कूल, बेटे के टाइम पे आ गए। हाँ
टीचर को क्या पता कि आप किस वजह से नहीं जाते थे बेचारी को? मैं बोलती थी कि मेरे प्रॉब्लम है, हाँ पे काम चल रहा है, नहीं आऊंगी, बहाना मारती, बहाना मारती, क्या बोलती है उनको? हाँ, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है ना, सबको क्या पता कि आप किस दौर क्या से पता? क्या प्रॉब्लम बिल्कुल है? खाओ पियो, मौज मस्ती करो, मजे में। कोई तुमसे दुआ सलाम करे तो तुम अच्छे से उसके साथ दुआ सलाम करो, और जो मुंह टेढ़ा करके जाए एक बार तो तुम उसके सामने करो चार बार, ठीक है? अगर कोई जल रहा है तो तुम्हारे ऊपर ये फर्ज बनता है कि उसको शिद्दत के साथ उसको जलाओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं तो बोलती नहीं मैम, बोलना चाहता है कि भैया तुम अपना बोलते हो, तुम लोग अपना रहो, हम अपना है जी। अपना काम कीजिए, अपना अच्छे से रहिए, आप खुश हो बस हो, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आप लोगों की उम्मीद पे खरा उतारे। जिसने भी मुझसे उम्मीद बांधी है अल्लाह ताला उसकी नजर में मुझे खरा उतारे, अपनी जबान पे खरा उतारे, और जो उम्मीद जिससे बांधे अल्लाह ताला उसको शिफा अता कर दे, क्योंकि शिफा अल्लाह ने अता करना है, हम नहीं कर सकते, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, शिफा अल्लाह ताला नहीं करता है और अल्लाह ताला ही देता है शिफा, चाहे जो अल्लाह ताला के अलावा कोई दे नहीं। तो बस अल्लाह से मांगिए, दुआ मांगिए, अपने लिए भी मांगिए और सबके लिए मांगिए, ठीक है? मैं सबके दुश्मन के लिए भी बोल, बुद्धि दे, अच्छा वो दे, अच्छा ईमान दे, और बाकी सब कुछ अल्लाह की जात पे छोड़ दीजिए, बाकी बिल्कुल बिल्कुल मैम जात पे छोड़ दीजिए, वो अल्लाह बेहतरीन फैसला देने वाला है, बेहतर जानता है, हमारे दिलों के हाल को भी अल्लाह ताला जानता है, कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, चोरी कर रहा है, ईमानदारी कर रहा है, वो सब कुछ अल्लाह को पता है, वो अल्लाह ताला देखेगा, अल्लाह ताला ही सब करेगा, वो हमारा काम का काम नहीं, हमारा काम है अल्लाह का शुक्र अदा करते जाना, काम करना और सब से रहना बस, ठीक है? बिल्कुल, और दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह ठीक हो जाए, है ना? मैं वही कह रही हूँ कि काम कर रहे मुझे सब लोग मुझे कीजिए जिसको प्रॉब्लम है, और अपना संयम से करिए, बहुत जल्दबाजी नहीं, संयम संयम से जी। जी चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जल्दी, ईद के बाद बात करेंगे इंशाल्लाह फिर से, ठीक है? बिल्कुल मैम, दिल्ली आपको जरूर लाना मेरे पास, जरूर लाना। इस बार तो नहीं आऊंगी क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी मैं आई ना तब तो मेरी बेटियां ठंडी से तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, बड़ी वाली का तो नहीं, छोटी वाली का ना बहुत ज्यादा मसला हो जाता है जब भी मैं जाती हूँ, क्योंकि उसको मैंने ना बाहर का कभी कब मतलब उसका क्या होता है, पानी वानी हजम नहीं कर पाती है वो वहाँ का, दिल्ली का, और वो बड़ी वाली है ना वो काफी साल बचपन में वहां पे रही है नानी के पास, है ना, इसीलिए कर लेती है, और ये छोटी वाली नहीं कर पाती क्योंकि वो कभी नहीं रही वहां, वो मेरे साथ ही जाती है 10-15 दिन रहती है फिर वापस आती है, वो 10-15 दिन में देखिए जब उसकी ठंड ठंड लगी थी ना तो उसकी आंतों में सूजन आ गई थी उस वक्त, है ना, अब जाके वो अच्छी हुई है, मतलब अब जाके वो हेल्दी हुई है थोड़ी सी, इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई थी, है ना, उसको संभालते संभालते अभी कितना महीना हो गया, आई थिंक 2 महीना हो गया शायद, दिवाली को कितने महीने हो गए, दिवाली दिवाली 3 महीने, 3 महीने, ठीक करने में उसको 3 महीना लग गया, फरवरी 4 महीने, हाँ अब जाके वो थोड़ा अच्छे से खाना पीना खाने लग गई है और अच्छी थोड़ी हेल्दी हो गई है माशाल्लाह, अब जाके वो ठीक हो गई, अब फिर छुट्टी आ गई गर्मी छुट्टी, तो अभी मैं फिर से जाऊंगी ना तो वो फिर बीमार हो जाएगी, इसीलिए मैं जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती ना थोड़ा तब तक अगर मुझे जाना होगा तो देखेंगे थोड़ा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी तो दिवाली छुट्टी में गई थी बीमार पड़ी, अब उसको ठीक करते उसके हाथों में सूजन उसको कितना सारा हो गया था, उसको जॉन्डिस हो गया, तो अब जाके वो ठीक हो गई है ना, अब जाके वो थोड़ा बहुत खाना वाना अच्छे से खाने वाने लगी, उछलने कूदने लगी, तो अभी उसको मैं थोड़ा बाहर वार भी शॉपिंग वॉपिंग भी कराया तो खुश हो गई वो थोड़ा, है ना, तो अभी ठीक, अभी फिर से लेके चली जाऊंगी ना तो फिर से वो बीमार हो जाएगी, तो इसीलिए मैम बस अल्लाह ताला से कि बच्चा, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्दी,
एडवांस में ईद मुबारक आपको, ठीक है ना। ईद मुबारक आपको भी।